नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश सेवा पार्टी ने की प्रेस वार्ता। लखनऊ में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के हजरतगंज में जेमिनी कॉन्टिनेंटल होटल में रखी गई, जिसमें पार्टी के उत्तर प्रदेश शाखा की पूरी टीम, महासचिव नसार हुसैन, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल सागर, लोकसभा सचिव मेराज अली, नवेद अली, अनसफ अली, पूर्व विधानसभा महासचिव रजा अली, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष रहमत हुसैन मौजूद थे। उत्तर प्रदेश उलामा काउंसिल के महासचिव मुदस्सिर कानपुर में शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन उत्तर प्रदेश महासचिव निसार हुसैन एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र दीक्षित ने किया। मंच का संचालन पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता महमूना नरगिस ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल अमरोही, राष्ट्रीय महासचिव सैयद यूसुफ अली नकवी, राष्ट्रीय प्रवक्ता महमूना नरगिस जयपुर से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सोलंकी, देश सेवा पार्टी के उलामा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोइनुद्दीन चिश्ती कानपुर से, देश सेवा पार्टी के सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य जयपुर से, लीगल काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलाहाबाद से रिटायर्ड जज मोहनलाल शामिल हुए। उत्तर प्रदेश शाखा के महासचिव निसार हुसैन ने पार्टी का परिचय दिया। उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता महमूना नरगिस ने पार्टी के उद्देश्य एवं हालात, देश के हालात पर प्रकाश डाला। उलामा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोइनुद्दीन चिश्ती ने लखनऊ लोकसभा से विधायक उम्मीदवार का नाम घोषित किया। निसार हुसैन महासचिव उत्तर प्रदेश के नाम की घोषणा हुई। लोकसभा इकाई के महासचिव सिराज हैदर भी मौजूद रहे। स्वामी राघवेंद्र आचार्य जयपुर से, जो सनातन धर्म के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एवं देश सेवा पार्टी के सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष एवं भावी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम के रूप में रिटायर्ड सेल टैक्स कमिश्नर आरसी दीक्षित का नाम की घोषणा की। लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सिराज हैदर की रिपोर्ट। देखिए, हमने उनके अंदर जुनून देखा है समाज को सुधारने का। जब तक हमारे अंदर खुद को सुधारने का और समाज को सुधारने का जुनून नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जुनून हम उन्हीं लोगों को आगे ला रहे हैं जिसमें ये सोच है, फिक्र है कि हाँ, अब कुछ होना चाहिए। बहुत कुछ बदल चुका है देश में और बहुत गलत नीतियां आ गई हैं, और हम किसी की भी कोई कमियां गिनाने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम पहले अपने आप को खड़ा उतार लें मैदान में, बाद में बात करेंगे किसमें कितनी कमी है। ये हमारी सोच है। जी बिल्कुल। दीक्षित जी, चूंकि आपको जीएसटी ने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी दावेदार घोषित किया है, उत्तर प्रदेश का एक जो अपना नेचर है वो आप जानते होंगे, बखूबी 20% 22% मुस्लिम यहाँ पर मतदाता है, आधा 25% मान लिया। जो बेसिक इश्यूज है उत्तर प्रदेश में बीते कई सालों से, 3-4 दशकों के पीछे भी चले जाए, भाजपा सरकारें अभी आई है 7 सालों में और लगभग 5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का पूरा है, तो बेसिक इश्यूज जो है उन बेसिक इश्यूज को आप किस तरह से रखेंगे और कैसे लोगों तक पहुंचेंगे जो उनकी प्रॉब्लम्स है। CNRC चल रहा था यहाँ पर, लगभग 27 फेज चला और तमाम इश्यूज रहे, ऐसी तमाम मामले हैं, उनको आप किस तरह से टैकल करेंगे। देखिए जनाब, जो हमारी देश सेवा पार्टी का गठन हुआ है, ये गंगा और जमुना तहजीब के अंतर्गत हुआ है। इसमें हमारा मुख्य कार्य जो है, आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम राइट इंडिया में सबसे पहले सन 1932 में हुआ था, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी का बेटा हुआ। उसके बाद देश का बंटवारा हुआ, सब जानते हैं, उस गाथा को ना कहना है मुझको। लेकिन इधर पिछले 7 साल में हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे या कुछ गूगल पे बैठे हुए लोग जितनी खाई बढ़ा सकते हैं या खाई खोदने का काम किया, हमारी पार्टी ने उस खाई को पाटने के लिए ही कदम उठाया है। इसीलिए आपने देखा होगा ऊपर हमारे प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरी है राष्ट्रीय, दोनों मुहिम में आप अध्यक्ष देखिए, सोलंकी जी हैं, दुबे जी हैं, सरदार जी हैं और बहुत से लोग हैं, हमारे सनातन धर्म आचार्य जी हैं। आपने एक मंच पे कभी भी दो धर्माचार्य नहीं देखे, लेकिन हम एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो देश में हमारे खाई बढ़ रही है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सभ्यता बनी रहे और देश में विद्रोह